सेहत आमा यानी पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने, मनफी गजाइयात के मुकाबला करने और लाइफस्टाइल डिजीज से लड़ने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से ईट राइट कैंपेन पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। ईट राइट कैंपेन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लद्दाख की जानिब से लेह के मुख्तलिफ इलाकों में ईट राइट कैंपेन चलाकर लोगों को सही खान पान के इस्तेमाल के हवाले से आगाही और अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लद्दाख की जानिब से लेह के मुख्तलिफ जगहों पे ईट राइट कैंपेन शुरू किया है, जिनमें लेह मेन मार्केट के बलखंग एंड जामे मस्जिद एंड और जंगस्ती एंड में प्रेजेंटेशन के जरिए लोगों को और जनरल पब्लिक को अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की है और लोगों को सही खाना इस्तेमाल करने की आगाही दी है। आपको बताते चले, लेह के मेन टाउन के अलावा शांति स्तूपा, खलसी, खरू, चोगलामसर और बस स्टैंड पे भी प्रेजेंटेशन के जरिए लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की है ईट राइट कैंपेन के जरिए। हम आपको मुख्तलिफ लोकेशंस के कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कौन जीतता है? दिल पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, दिल की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, घंटे भर में ही घर की खुशियां मिलेंगी,
शरीर दिमाग पढ़ाई रोजी रोटी सब कुछ दूसरी गुड न्यूज इन खुशियों की नींद एडवांस में ही बन सकती है होने वाली मौत के पास खाने इतना खाता हूँ कब तक खाऊं संपूर्ण पोषण इसलिए आटा चावल नमक तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट आज से ही दस पदार्थ अपने पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला सिर्फ खाने में नहीं आपकी पूरी जिंदगी में रोजमर्रा के हर काम में नुकसान समझ लिए ना बस हो गया काम आसान अब लगाइए दिमाग को काम पे अगर रोज के खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना है तो जितना तेल अभी आप डालते हैं उससे धीरे धीरे दिमाग का खेल स्टार्ट रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ शुगर सॉल्ट एंड फैट फ्रॉम टुडे धीरे धीरे कम करते जाइए और ऊपर से सैलेड दही या फल पे नमक होता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे हो जाएंगे बस चलेगा हमें तो अच्छा फिल्म स्टार या ओलंपिक खिलाड़ी बनना है पर अगर तेल नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक स्ट्रोक शुगर की बीमारी आंखों की खराबी किडनी और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे हो जाएंगे बस चलेगा हमें तो अच्छा फिल्म स्टार या ओलंपिक खिलाड़ी बनना है पर अगर तेल नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक स्ट्रोक शुगर की बीमारी बन सकती है होने वाली माँ के पौष्टिक खाने और कैल्शियम की गोलियां और नियमित कसरत जांच से बताइए सबको देखिए जानते तो सभी इस्तेमाल के लिए बेचा जाता है जलाया जाता है या नाली में बहाया जाता है पर अब रुको रिपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल योजना में इसी तेल से बायोडीजल बनाया जा सकता है इसलिए रुको जिससे आप और आपका वातावरण दोनों फिट रहे चाय में चीनी लेते हैं यानी कोई नहीं लीजिए लीजिए बस आधा चम्मच कम कर दीजिए और कुछ दिन बाद समझ गया ना इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन हर पल कौन जीतता है स्टार्ट रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ शुगर सॉल्ट अरे अरे रुको खाने को एक ही तेल में बार बार अगर तेल नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक स्ट्रोक शुगर की बीमारी आंखों जीवन भर की खुशी है ना गुड न्यूज तो बताइए सबको धीरे धीरे कम करते ऊपर से सैलेड दही या फल का नमक मत चाय में चीनी लेते हैं यानी कोई नहीं लीजिए लीजिए बस आधा चम्मच कम दोनों फिट रहे राइट चाय में चीनी लेते हैं की खराबी किडनी फेल कुछ भी हो सकता है और इस सबके चक्कर में परहेज ही परहेज तेल चीनी या नमक खाना नुकसानदायक है कंट्रोल नहीं किया ना तो इससे भी बड़ी गुड न्यूज अगर बच्चे की दूसरे साल हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक स्ट्रोक शुगर की ऊपर से सैलेड दही या फल ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे हो जाएंगे बस चलेगा हमें कौन सा फिल्म स्टार या परहेज़ी परहेज से तीसरी बात ऊपर और सबके चक्कर में परहेज़ी परहेज सिर्फ खाने में नहीं आपकी पूरी जिंदगी में रोजमर्रा के हर काम जीवन भर की खुशी है ना गुड न्यूज तो बताइए सबको
देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं है तो डालते क्यों? चक्कर में पलीज ही पलीज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। स्वस्थ जीवन आज से ही 10 निशान के पदार्थ अपनाइए।